रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। खुश रहो, हाँ खुश रहो। दादू हमें माफ करना, पर हमने ये फैसला सबके भले के लिए लिया है। बहुत अच्छा फैसला लिया आपने। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके इस पोती को हमेशा दुखी रखूंगा। आंसुओं की कमी नहीं आने दूंगा इसको कभी। ये वादा है मेरा। रुद्रा, आओ बेटा। बेटा रहने दीजिए नानी, इसे खुद ब खुद उठने की आदत डालने दीजिए, क्योंकि अब इसके साथ इस घर में यही होने वाला है। इसे चैन से जीने तो दूर, ढंग से कदम भी नहीं रखने दूंगा मैं। उठ बेटा, उठ, संभल कर। तू ठीक तो है ना? चल अंदर आ जा। अरे
रुद्र, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू चाहता क्या है? पहले उस लड़की को यहां जबरदस्ती लेकर आ गया और अब ये सब हरकतें? सुधा, तू चुप क्यों है? इसे कुछ कहती क्यों नहीं? अगर तेरे माथे पर सौतेली माँ का दाग है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू जबान पर अपने ताला लगा ले। इसे सही गलत नहीं बताएगी? कुछ कहती क्यों नहीं इसे? इसकी जिंदगी यूं ही बर्बाद होने देगी? रानी, प्लीज। रुद्र, आज तो ये बात कह दी है आपने, आइंदा ये शब्द अपने मुंह से मत निकालना। मैं इन्हीं का बेटा, ये मेरी मां है और ये हमारा रिश्ता भगवान भी बदल नहीं सकता। नानी, प्लीज। रही बात इस लड़की की, इसने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने में। इसने मेरे परिवार को धोखा दिया, मेरे भाई के प्यार के साथ खिलवाड़ किया है इसने। सजा तो मैं इसको दे कर रहा हूं। प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मेरे और इस दिव्यानी के बीच में मत आइए। हमारी बात तो सुन। प्लीज नानी, इसे कुछ बोल ना तू। उसे जो करना है करने दीजिए माँ, आप कुछ मत बोलिए उसे। सुहागरात वाले दिन पति अपनी पत्नी को कमरे तक लेकर आता है, उसे वादा करता है कि वो उसको दुनिया की हर खुशी देगा। मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी दुखों से भर दूंगा मैं, तुम्हारे हर दुख का कारण बनूंगा। तुम्हारी जिंदगी का दूसरा नाम दुख होगा। इतना दर्द दूंगा तुम्हें कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी मुझसे और मैं तुम्हें वो नसीब नहीं होने दूंगा। ये सजावट को देख के सोच रही होगी ना तुम कि मैंने ये सब क्यों करवाया। ये मैंने इसलिए करवाई है कि तुम्हारे सामने इसे जब तोड़ूंगा तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी भी आज के बाद इसी तरह से टूटी फूटी रहेगी, कांटों से भरी रहेगी।
मुबारक हो, मेरी पत्नी को मेरा पहला तोहफा। पर गुस्सा निकाल कर अगर आपको शांति मिलती है तो ये भी हमारी सजा का हिस्सा है। अगर इससे आपका दर्द कुछ कम हो सका तो ये हमारी जीत हुई। हमें शक्ति दीजिएगा माँ। तेज भूख लग रही है, किसको पूछे। खुशी दीदी, आपको कुछ चाहिए क्या? हमें ना बहुत तेज भूख लग रही है। किचन कहाँ पर है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं हो ना। पापा ने आपको मारा ना? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी दादी कहती है जो भी झूठ कहता है उसको रात को चूहा अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। साथ पापा भी गुस्से में, वो आपको भी हर्ट करेंगे। हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। पूछो काहे? काहे कि हमारे पास तुम हो, और जब तक तुम हमारे साथ हो हमें नहीं लगता कि आपके पापा कुछ कर पाएंगे। खुशी, एक वादा करो कि हमसे, हमारे साथ रोज ऐसे बातें करो कि फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपसे रोज बात करूंगी, पिंकी प्रॉमिस। खुशी, खुशी, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? इतनी रात हो गई है, चलो जाकर सो जाओ। चलो, गुड गर्ल। तुम कुछ खाओगी बेटा? नहीं, दिया मैं।
और कुछ नहीं। हमें पता है बेटा तुम्हारे साथ कमरे में क्या हुआ है। बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ बेटा। आओ। नानी माँ, पुराना माने तो एक बात पूछ सकते हैं आपसे? अरे बुरा मानने की क्या बात है, बोलो क्या बोलना है। हम बस ये जानना चाहते थे कि का सच में रुद्र जी की पहली पत्नी ने उन्हें धोखा दिया था। रात बहुत हो गई है, मेरे ख्याल में सो जाना चाहिए, कल बात करेंगे। नानी माँ प्लीज, हमरा रुद्र जी के रिश्ते का भविष्य हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आगे की सारी जिंदगी हमें इनके साथ ही बितानी है। तो हमें लगता है कि हमारा जानना जरूरी है, हमारी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ हमारा ही नहीं, खुशी का भी। काय की हमें जरा सा अंदाजा है कि उनके किसी करीबी ने उन्हें धोखा दिया है, तो आओ मेरे साथ। यही है हमारे रुद्र की दुनिया, जो अब इस धूल के नीचे तप के रह गई है। हमारा रुद्र ऐसा नहीं था, वो सबसे बहुत प्यार करता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो किसी को परेशान करे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे, किसी का दिल तोड़े। दिव्यानी, सुधा रुद्र की सौतेली माँ है। जब हमारा रुद्र 5 साल का था तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। फिर उसके बाद रुद्र के पापा ने मेरी बेटी सुधा से शादी कर ली। एक सौतेली माँ और उसके एक बेटे के बीच में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देखकर लोग तो धोखा खा जाते थे। हमारा रुद्र अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था, उसका पूरा परिवार उसकी जिंदगी थी। फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में ज्योति आ गई, एक ऐसा तूफान बनकर जिसमें हमारे रुद्र की खुशियां, उसका सुख चैन, उसकी मुस्कान सब कुछ उड़ा कर ले गए। रुद्र सच्चा प्यार करता था ज्योति से, और हम लोगों को भी कोई एतराज नहीं था दोनों की शादी से। सारे के सारे घर वाले खुश थे शादी को लेकर। फिर अचानक ज्योति के बर्ताव में बदलाव आ गया। ज्योति मेरी बात तो सुनो। अपनी ये बातें अपने पास ही रखो, मुझे मत सुनाओ। और हमारा रुद्र हमसे बातें छुपाने लगा। दोनों के बीच में बहुत क्लेश होता, बहुत झगड़े होते। दोनों के बीच में दरार आ चुकी थी। अंदर ही अंदर रुद्र घुटने लगा था, और इसी बात को लेकर उसने शराब का सहारा ले लिया। फिर एक दिन दोनों रुद्र और ज्योति फार्म हाउस पर चले गए।
सारा दिन किसी की रुद्र से बात नहीं हो पाई, उसका फोन ही नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सब मिलकर फार्म हाउस पर चलें। हम सब मिलकर फार्म हाउस पर चले गए। वहां जाकर हमने देखा कि ज्योति, हे भगवान, रुद्र! उस दिन के बाद से उस ज्योति का कहीं पता नहीं चला, ना कभी उसके बारे में कुछ सुनने को मिला। हमें पुलिस के द्वारा पता चला कि ज्योति और किसी और मर्द का अफेयर चल रहा था। दोनों ने मिलकर हमारे रुद्र को मारने की कोशिश की। जो हमारे रुद्र के शरीर का जख्म था वो तो भर ही गया, मगर जो जख्म हमारे बच्चे के दिल पर लगा था वो एक नासूर बन गया और उसकी पूरी जिंदगी में फैल गया।